अरे जनरल साहब जरा तस्वीर तो लाइए। लेफ्ट राइट। सेनापति महाराज, हम सब स्नान करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, मगर ये माताजी इस नल पर प्रभात से धुनी रमाए बैठी हैं। कुछ करो, कुछ करो। कोर्ट मार्शल। राम, छोड़ लिया मुझे, भ्रष्ट हो गया। नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। जाओ, जाओ सब यहाँ से। अब मुझे फिर रखना। ओम भुर्भुवः भुर्भुवः। ये सब क्या लगा रखा है, क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? देखो ना सावित्री बेटी, ये लोग ना तो मुझे नहाने देते हैं, ना ही पूजा करने देते हैं। ये झूठ बोल रही है मालकिन, यहाँ एक ही नल है और उस पर ये सुबह से कब्जा जमा कर बैठी। दूसरे नल को क्या हुआ? बंद कर जाता है इस नल को ये हमारा मुंशी, मुफ्त दो वक्त की खाता है ये प्यारा मुंशी। मालकिन बंद न करो तो और क्या करूँ, वाटर टैक्स हर महीने बढ़ता जा रहा है और ये सब लोग सारा दिन नहाते रहते हैं। फिर भी इन लोगों की मैल नहीं उतरी। मुंशी तुम हिसाब में खर्च तो दो नल के पानी का लिखवाते हो। मालकिन वो दूसरा नल भी खुलवा दो, जाओ अपना काम करो। देवी जी, क्या है? आपसे एक प्रार्थना है। कहिए। आपको भली बात मालूम है, ना मेरी कोई स्त्री है ना कोई संतान। जानती हूँ जानती हूँ। सोचा था कि हम दोनों आराम। दोनों? दोनों कौन? स्त्री तो तुम्हारी है ही नहीं। दोनों से मेरा मतलब है मैं और मेरा भगवान। ओ भगवान। हाँ देवी जी, जिस कमरे में मेरा निवास है उस कमरे में बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत शोर मचाते हैं। हाँ हाँ मैंने भी सुना है। कहिए। आप कुछ ऐसा प्रबंध कर दें कि मैं अपने भगवान से अकेले में वार्ता आलाप कर सकूं। पंडित जी, कमरे का बंदोबस्त मैं कर सकती हूँ, लेकिन भगवान का? भगवान का तो बंदोबस्त मैं कर लूंगा। हमारे मोहल्ले में भगवान दास भी है और भगवान सहाय भी है। कहिए तो दोनों को बुला दूं पंडित जी। मुरली तू भी आ गए, तुझे तो कोई शिकायत नहीं ना? अरे सावित्री बहन, तुमसे और शिकायत? लेकिन हाँ, गवर्नमेंट से जरूर शिकायत है। क्यों? हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना? आ, होते हैं ना? आ, और घोड़ों की रेस सिर्फ 1 दिन। चल जुआरी कहीं। वर्षा, ओह तू पढ़ रही है? पढ़ पढ़ खूब दिल लगा कर पढ़। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। देख मैंने फैसला कर रखा है कि इस साल पास होते ही मैं तुझे विलायत भेजूंगी। जी हाँ हाँ, क्यों ना भेजूं, इस घर में सबसे अच्छी लड़की भी तो तू ही है। आपकी तबीयत कैसी है? जी पहले से बहुत अच्छा हूँ। अरे दवाई तो खत्म हो चुकी है। वर्षा तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? मालकिन वो खैर कोई बात नहीं, मैं अभी मंगवाई देती हूँ, डॉक्टर तो रोज देख जाता है ना। डॉक्टर के 100 बार आने से मेरी बीमारी को इतना आराम नहीं आता जितना आपके 1 बार आने से। दर्शन राजा कैसा है? बिल्कुल ठीक है। वर्षा तुझे कॉलेज की फीस नहीं देनी? देनी है। तो फिर मुझसे मांगी क्यों नहीं? अगर मैं भूल जाती तो? बच्ची है, मांगते हुए शर्माती है। नहीं बाबा, मांगने की जरूरत ही कब पड़ती है, मालकिन तो अपने आप वक्त पर याद से दे जाती है। हाँ हाँ, बड़ी आई मेरी तारीफ करने वाली। अगर किसी महीने भूल गई ना तो वो लोग तुझे कॉलेज से निकाल देंगे। हाँ ये ले फीस के रुपए और ये बाबा की दवाई की है। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। दर्शन। हाँ? आज इतवार है ना? हाँ माँ। इतवार के दिन भी है डॉक्टरी। तो क्या हुआ? बेटा हफ्ते में 6 दिन काम के होते हैं और 1 दिन आराम का। देखो दिन में दिन कितना दुबला होता जा रहा है। ले ये दूध पी ले। माँ तुम मुझे दूध पिला पिला कर सुस्त बना दोगे। बीमार पड़ने से तो सुस्त होना अच्छा। चलो पी लो। देखो माँ, मैं दिल की बीमारी का स्पेशलिस्ट इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे दिल का इलाज कर सकूं। क्यों क्यों क्यों? मेरा दिल इतना कमजोर है। बेशक। वो कैसे? जब मुझे हल्का सा सर दर्द होता है तुम्हें जोर का बुखार चढ़ जाता है। वो तो चढ़ेगा। किसी दिन मुझे भूख नहीं लगती तो तुम व्रत रख लेती हो। क्या ये कमजोर दिल की निशानियां नहीं? बेटा माँ के दिल की कमजोरी नहीं समझेगा तो और कौन जानेगा। लेकिन दर्शन, जब तेरी चिंता करते करते मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। हाँ आंटी, शहर के सभी लोग यही कहते हैं। अरे रमा तू? हाँ लोग क्या कहते हैं? सच सच बता दूं आंटी। तो क्या मुझे झूठ सुनने की आदत है? लोग कहते हैं कि आपके घर में सब पागल हैं और आप पागलों की सरदार हैं। नीलज कहेंगे मैं पागल हूँ क्या? जी बेटे के प्यार में। ओह तब तो मैं जरूर पागल हूँ। इधर कैसे आई? दर्शन को मिलने? जी इसलिए भी और एक दूसरे काम के लिए भी। दूसरा काम कौन सा? माँ ने कहला भेजा है कि बहुत दिनों से आप आई नहीं, कुछ जरूरी बातें करनी है। ओह अपनी माँ से कहना
कि उनसे ज्यादा मुझे जल्दी है। किसी दिन फुर्सत से आऊंगी। जी कह दूंगी। दर्शन अब तैयार हो जाओ ना, कॉलेज के ड्रामे का दिन सर पर आ गया और रिहर्सल एक भी नहीं हुई। नो ड्रामा नो रिहर्सल। देखा आंटी। क्यों दर्शन, चली जाओ ना। माँ मैंने रमा से कितनी बार कहा है कि मुझे ड्रामे वामे में दिलचस्पी नहीं है। ना सही, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे साथ तुम ही हीरो का पार्ट किया करो। लेकिन शेर बेचारा क्या करे, उसे घास खाने की आदत ही नहीं। जाओ बड़े आए वो। अच्छा आज माफ किया, दूसरी रिहर्सल पर जरूर आना। आंटी इन्हें भेजने की जिम्मेदारी आपकी रही। बाय बाय टाटा। अच्छा अच्छा।